हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जीमेल पे हम ओटीपी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो जीमेल होता है उस पे कोई भी ओटीपी अगर नहीं आ रहा है, कोई भी मैसेज अगर नहीं आ रहा है, तो वो क्यों नहीं आता है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो जीमेल पे ओटीपी है वो क्यों नहीं आता है। कई बार हमारा जो जीमेल है वो स्टक हो जाता है या फिर अटक जाता है, या कई बार इंटरनेट कनेक्शन के कारण भी हमारा जो जीमेल पर ओटीपी है वो नहीं आ पाता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी तरह से आपको भी अपने फ़ोन में करना है। सबसे पहले आपको ऊपर से स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, आपका जो नेटवर्क है वो आ रहा है कि नहीं, और जो इंटरनेट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा तो नेटवर्क आ रहा है, तो एक बार आपको यहाँ पे करना है एयरप्लेन मोड को ऑन और उसके बाद फिर इसे डिसेबल कर देंगे। और अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि अब आपका जो जीमेल पे ओटीपी है वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा नेटवर्क आ गया है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, देख सकते हैं ये रहा, इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जीमेल खोज लेना है। तो ये रहा हमारा जीमेल, देख सकते हैं ये रहा जीमेल, तो इस पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फोन में जीमेल को फोर्स स्टॉप करिए। फोर्स स्टॉप करेंगे, ये फोर्स स्टॉप हो गया है और अब आप जीमेल को वापस से ऑन कर सकते हैं और उसमें जाके देख सकते हैं कि आपका ईमेल आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आपको यहीं पे वापस से स्टोरेज यूजेज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर कैच करना है और ऊपर में आपको एक बार क्लियर डाटा करना है, ओके करना है। और उसके बाद यहाँ से आप बैक आइए और यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक डाटा यूजेज डिटेल्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि ये जो दो ऑप्शन है डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, ये दोनों ऑफ रहना चाहिए। अगर ये ऑन है इसमें से एक भी तो इसे ऑफ कर लीजिए, ये डिफॉल्ट में ऑफ ही रहता है, इससे आपका जो जो नेटवर्क का रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे नहीं लगता है। तो यहाँ से ये डिसेबल रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ का हमारा जो सेटिंग है वो हो गया है कंप्लीट। यहाँ से कट करेंगे और अब चलते हैं हम अपने जीमेल पे। जीमेल पे जाएंगे, जीमेल पे जाते ही यहाँ पे आपको इस तरह से बिल्कुल नया लुक आपको मिलेगा। गॉट इट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको अपना जीमेल सेलेक्ट करना है, टेक मी जीमेल पे नीचे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जीमेल है वो यहाँ पे इस तरह से खुल जाता है। अब अगर यहाँ पे आपको ओटीपी जो भी आप यहाँ पे जहाँ से भी आपका ओटीपी आना है वो यहाँ पे आपका जो ओटीपी है वो अब आ जाना चाहिए। यहाँ से आप एक बार फिंगर को नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे ये रिफ्रेश टाइप का इस तरह से होगा, तो आपको इस तरह से रिफ्रेश भी करके देख लेना है और अब आपका जो ओटीपी है वो आने लग जाएगा, कोई भी ओटीपी होगा वो आएगा। तो यहाँ से हम कट करते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपका जो ओटीपी है वो आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको आपका जो ओटीपी है वो 100% आएगा और यही मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है जिसके कारण से हमारे फ़ोन में जीमेल पे ओटीपी नहीं आ पाता है।